नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। एक बहुत बेहतरीन वैकेंसी एयरफोर्स की तरफ से। एयरफोर्स की वैकेंसीज को बहुत सारे बच्चों का इंतजार रहता है और ऐसे सारे बच्चे जिनको टाइपिंग आती है, टाइपिंग स्किल वाले ग्रुप सी पदों पे एयरफोर्स की तरफ से वैकेंसीज निकली है। और अगर एयरफोर्स की बात किया जाए तो यहाँ पे भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स और ये आपका रोजगार समाचार में वैकेंसीज निकल चुकी है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट इन IAF, बहुत इंतजार होता है बच्चों को इन वैकेंसीज का। लेकिन इसमें क्या खास है, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, किस पोस्ट पे आया है और कितने पद आए हैं और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, सब मैं एक शॉर्ट नोटिस में आपको बता दे रहा हूं। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें हेडक्वार्टर वेस्टर्न एंड एयर कमांड न्यू दिल्ली, यहां पर अलग अलग पोस्ट आते हैं जैसे कमांडिंग ऑफिसर हेडक्वार्टर WAC एयरफोर्स। यहाँ पे पूरा ये क्या दिया होता है, ये आपका एड्रेस दिया होता है, एयर ऑफिसर कमांडिंग में एयरफोर्स स्टेशन श्रीनगर में है, ऐसे न्यू दिल्ली में है, ऐसे यहाँ पे अंबाला कैंट में है, ऐसे दौबा डिस्ट्रिक्ट जालंधर में है। तो यहाँ पे जो पद निकले हैं, यहाँ पे LDC के लोअर डिवीजन क्लर्क होते हैं, ये कई जगह हिंदी टाइपिस्ट के होते हैं, तो ये टाइपिंग के पद होते हैं बेसिकली, कहीं पे एक पे, कहीं पे चार पे, कहीं पे। और ऐसे अगर देखा जाए तो टोटल 30 पद आपके क्या है, 30 पद आपके इस आपके कौन से पोस्टल एड्रेस पे हैं, ये हेडक्वार्टर वेस्टर्न वाले पे हैं। ऐसे अगर हम लोग बात करें कि हेडक्वार्टर ट्रेनिंग जो कमांड है, ट्रेनिंग कमांड में भी आपके LDC के और हिंदी टाइपिश के कई सारे पद हैं। ऐसे यहां पे देखेंगे तो सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट CMT पद बोला जाता है, ये ड्राइवर के पद होते हैं, ये भी कई जगह निकला है और इसके अगर देखा जाए तो लगभग 30 पद के आसपास यहां पे है। ऐसे ही अगर बात किया जाए यहां पे 39 पद के आसपास, ठीक है, 39 पद के आसपास यहाँ पे। ऐसे हेडक्वार्टर मेंटेनेंस कमांड में देखा जाए तो अलग अलग जो यहाँ पे एड्रेस दिए हुए हैं इनके आधार पे LDC और हिंदी टाइपिस्ट के टोटल 43 पद यहाँ पे हैं। और सेंट्रल एयर कमांड की बात किया जाए तो सेंट्रल एयर कमांड में 8 पद हैं। ऐसे ही हेडक्वार्टर ईस्टर्न एंड एयर कमांड की बात किया जाए तो इसमें जो पदों की संख्या है टोटल, इनमें भी पदों की संख्या ठीक ठाक है और कितने हैं, 21 है। ऐसे ही बात किया जाए एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट ऑफिस न्यू दिल्ली में तो यहाँ पे LDC के 24 पद हैं। वैसे एयरफोर्स स्टेशन रेस कोर्स न्यू दिल्ली में यहां पे कितने पद हैं, यहां पे 8 पद हैं। और ऐसे ही एयरफोर्स रिकॉर्ड ऑफिस सबरूटो पार्क में तो यहां पे भी कितने हैं, यहां पे 9 हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो 250 से 300 वैकेंसीज आपके LDC के IAF की तरफ से आई हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम लोग इसमें देख लेते हैं कि कौन बच्चा एलिजिबल हो पाएगा। तो इसमें एलिजिबिलिटी के लिए जितने दो प्रकार के पद हैं, एक आपका लोअर डिवीजन क्लर्क है, लोअर डिवीजन क्लर्क में आपकी हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग मांगती है, हिंदी और इंग्लिश, या तो आप हिंदी करिए या तो इंग्लिश करिए। इंग्लिश टाइपिंग के लिए 35 वर्ड पर मिनट है और हिंदी जो टाइपिंग है उसमें 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपसे मांगता है। इसमें आपका पहले रिटन पेपर लेता है और रिटन पेपर के बाद आपका क्या होता है, टाइपिंग होता है। रिटन नंबर के आधार पर ही आपका क्या होता है, आपका यहां पे चयन होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसमें कुछ चीजें अलग है, जैसे अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं, ये तो मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में अभी मैं सब कुछ आपको बताता हूं। यहां पे अगर हम लोग बात करें एलिजिबिलिटी पे तो एलिजिबिलिटी जो है, सबसे पहले एज लिमिट की बात करते हैं, 18 से 25 साल के जितने बच्चे हैं वो सारे के सारे लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी बिल्कुल वैसा है जैसे सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम में होते हैं, 3 साल OBC के लिए, 5 साल SC ST के लिए, 10 साल जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए होता है। और एक्स सर्विसमैन का भी यहां पे कहीं ना कहीं जो 6 मंथ कॉर्डिनल सर्विस के बाद होते हैं उनका कोटा दिया गया है। SC ST OBC के लिए अगर वो क्या है, अनरिजर्व कैटेगरी में है तो इन एज लिमिट एक्सपीरियंस एटसेट्रा, जैसे क्या बोला, SC ST OBC कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट, अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी में करेंगे तो उनको रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। डिपार्टमेंटल कोई इंप्लॉई है तो वो 40 साल तक भर सकता है, अगर ओबीसी है वो 43 साल तक भर सकता है, और SC ST 45 साल तक इनके लिए आवेदन कर सकता है। एज रिलैक्सेशन सभी के लिए क्या होगा, गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग होगा। अब आते हैं LDC जो हिंदी टाइपिस्ट का पद है, ये लेवल 2 का होता है, इसमें पे मैट्रिक्स आपका 7th CPC के हिसाब से दिया जाएगा। इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो 12वीं पास होनी चाहिए और साथ में स्किल टेस्ट होना चाहिए, इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट या फिर हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, इसके अलावा नहीं चाहिए कुछ भी। 35 वर्ड पर मिनट एंड 30 वर्ड पर मिनट करेस्पॉन्डिंग टू 10,500 की डिप्रेशन पर आवर और 9,000 की डिप्रेशन पर आवर ऑन एन एवरेज ऑफ 5 के डिप्रेशन ऑफ ईच वर्ड, एक शब्द को 5 वर्ड का, 5 लेटर का माना जाएगा। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, जो दूसरा टाइप का पद है सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, जो आपका क्या होता है, जो आपको CMTD पद के लिए होता है, ऑर्डिनरी ग्रेड का होता है, और इसमें भी लेवल 2 है और लेवल 2 में 7th CPC के हिसाब से है। इसमें आपका केवल 10th मांगा है, इसमें 12th नहीं, इसमें 10th मांगा है। लेकिन इसके साथ आपके पास क्या होना चाहिए, एक आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए
तो किसके लिए, लाइट एंड हैवी व्हीकल के लिए। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसमें डीएल जरूरी है और फिर आपके ड्राइविंग में क्या होना चाहिए, स्किल भी होना चाहिए, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए मोटर व्हीकल का, ठीक है, ड्राइविंग का। तो ये आपका क्या है, ये आपके जो ड्राइविंग वाले पद हैं उनके लिए है। अब आते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। तो मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा कि ये सबसे पहले बच्चे स्क्रूटनाइज होंगे उनके एज लिमिट, मिनिमम क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट के अनुसार। उसके बाद उनका क्या आएगा, एडमिट कार्ड आएगा और एक रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, इसमें आपका रीजनिंग पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा, आपका मैथ्स पूछा जाएगा और जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लगभग 100 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। और सीएमटीडी जो होते हैं इनके लिए भी सेम चीजें हैं, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस। इसमें एक चीज और पूछा जाएगा, ट्रेड पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन, जो ट्रेड से संबंधित कुछ क्वेश्चन होते हैं वो भी पूछा जाएगा। क्वेश्चन पेपर का माध्यम इंग्लिश और हिंदी दोनों होगा। जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे वो स्किल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट में बुलाए जाएंगे। जो आपका चयन का आधार होगा वो केवल रिटन टेस्ट होगा, बाकी जो होंगे वो क्वालिफाइंग आधार के होंगे। और जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनका आर टू ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट, उनको ओरिजिनल सर्टिफिकेट डीवी के टाइम पे लाना होगा। लास्ट डेट कब है, तो लास्ट डेट जब से इसका फॉर्म ओपन हो जाएगा उससे 30 दिन तक है, मतलब रोजगार समाचार में आ गया है तो फॉर्म ओपन हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमें कैसे अप्लाई करना है। इसका आवेदन ऑनलाइन नहीं है, इसमें क्या किया है, इन्होंने एक फॉर्म लगा के दिया है। अगर आप देखोगे तो इस फॉर्म को आप लोग क्या करोगे, इस पीडीएफ को मेरा टेलीग्राम पे और परीक्षा प्लस का जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर डलवा दूंगा। परीक्षा प्लस व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आपको ये सारी चीजें दे दी जाएंगी। तो ये आपका क्या है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर्म इसे आपको क्या कराना है, प्रिंट करा लेना है। और प्रिंट करने के बाद इसमें किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एज क्या है, एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, कास्ट आपका क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस कोई है कि नहीं, और उसके बाद कैटेगरी फॉर विच अप्लाइड, किसके लिए आप किस कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, डोमिसाइल आपका क्या है, टेक्निकल ट्रेनिंग क्या है, और ये सारी चीजें आपको क्या करना है, ये सारी चीजें आपको भर के और इनके दिए हुए पते पे भेजना है। तो इसे कैसे फॉर्म भरना है, ये सारी चीजें मैं आपको अलग से इसका एकदम एग्जैक्टली पीडीएफ फॉर्म निकाल के आपको दे दूंगा और पूरा चरण बता दूंगा। बस अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैं आपके लिए बहुत जल्दी के आ रहा हूं कि किस प्रकार से आपको इसमें आवेदन करना है। अभी आवेदन करने के लिए ये मान के चलिए कि आपको क्या करना है, आपको इसका फॉर्म में लिख के उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी करा के सेल्फ अटेस्ट करके इनके दिए हुए पतों पे क्या करना है, इनके दिए हुए पता पे भेजना है। इनका दिया हुआ पता मुझे दिख नहीं रहा है, एक बार मैं आपको यहां पे दिखा दूं तो ये कहां पे भेजना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली टाइप्ड इन इंग्लिश और हिंदी इसमें होना चाहिए, इसमें फोटो वगैरह होना चाहिए और इसमें कोई TA DA नहीं मिलता, ये अच्छी चीजें बताए हुए हैं। किस पता पे देना है, इस पता को इन्होंने इसमें अभी मेंशन नहीं किया है, बट जैसा भी होगा एग्जैक्टली मैं आपको इसके लिए लेके आ जाऊंगा, क्योंकि ये अभी जो मेरे पास कॉपी आई है ये भी एग्जैक्टली रियल कॉपी में नहीं है। इसलिए बोलो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इसका मैं पूरी जो डिटेल्ड इसका फॉर्म वगैरह है ये सब कुछ मैं आपको परीक्षा प्लस व्हाट्सएप चैनल पे टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा। तो आप लोग परीक्षा प्लस टेलीग्राम चैनल से व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।